नमस्कार सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से विश्वामित्र आचार्य श्रावण मास और श्रावण मास से संबंधित शिव अभिषेक का अति महत्व माना जाता है हमारे यहाँ भक्तगण ग्यारह महीने से सावन मास की आने की प्रतीक्षा करते हैं और आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से ही अपने भक्ति भाव के साथ व्रत आदि का उद्याप, ए, उद्याप ए, शुरुआत करते हैं और प्रतिदिन शिव जी का दर्शन अभिषेक पूजा अपने अपने विधि से करते हैं प्रायः विधि विधान के अनुसार से शास्त्र में उल्लेख है अभिषेक, रुद्र अभिषेक, जो कि वेद मंत्रों से उद्धृत मंत्रों का आठ अध्याय में संकलन है इन मंत्रों से विधिवत जलाभिषेक किया जाता है वैसे अभिषेक तो दूध से भी करते हैं गन्ने का रस से फलों के रस से घी मध आदि पदार्थों से भी अभिषेक करते हैं परंतु सामान्य रूप से जलाभिषेक श्रावण मास में भगवान शंकर को अति प्रिय माना जाता है और ऐसा करके भक्त अपने आप को जो है कि आध्यात्मिक रूप से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने को प्रबल कर लेते हैं वास्तव में होता क्या है कि सामान्य दिनों से अलग हट करके के जो व्रतधारी भक्त लोग होते हैं तो प्रातः उठ करके भोर में स्नान आदि करने के पश्चात फूल पत्ती की चयन करने निकलते हैं और सावन मास में सर्वत्र हरियाली छाया हुआ रहता है और सर्वत्र वातावरण बदला हुआ रहता है और जब घर से निकल कर के बाहर अपने फूल पत्ते और जल आदि की संचय करने निकलते हैं तो इससे उनके मन में और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है और फिर मन लगा कर के शिवजी की उपासना अभिषेक करते हैं तो इससे उनकी हर प्रकार से जो कि है कि उनकी आत्मशुद्धि के साथ साथ उनकी पारिवारिक वातावरण और यहाँ तक कि पूजा पाठ के पश्चात वे अपने कार्य स्थल पर पहुँचता है तो भी क्योंकि मन से उनका जो है प्रबल ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी हुई रहती है तो उनके कार्य क्षेत्र में भी अच्छा परिणाम निकलता है इस प्रकार से महीने भर जो भक्त इस शिव अभिषेक को भक्ति भाव के साथ करता है तो उनका जाने अनजाने में और ऐसा माना जाता है पूर्व जन्म में किए हुए पापों का भी जो है एक क्षय हो जाता है तो इस श्रावण मास में भक्त लोग जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुबह और शाम शिव जी का दर्शन करें उपासना करें और अभिषेक अवश्य करें धन्यवाद